नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान पुलिस के लिए और रीट की के सिलेबस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है महिला एवं बाल उत्पीड़न। महिला एवं बाल उत्पीड़न जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपको ज़्यादा कहीं नहीं मिलते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश करी है, इधर उधर से सर्च करके कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, कुछ बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं महिला एवं बाल उत्पीड़न से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या कोई एजुकेशन ग्रुप और हैं, उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम शुरू करते हैं महिला एवं बाल उत्पीड़न से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम। देखिए, पहला क्वेश्चन यही आपके सामने, घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया। कि घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2005 में, ठीक है, ये अधिनियम कब लागू किया गया। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू करने का काम 26 अक्टूबर 2006 को किया गया। कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का आप बिल्कुल इनको रट लें, इनको याद कर लें, इनको समझ लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया। कब किया गया? 31 जनवरी 1992। यहाँ तिथि नहीं दी गई है तो केवल कौन सा ऑप्शन होगा, 1992 को। अगर डेट सहित पूछा जाए, दिनांक सहित पूछा जाए, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ है, तो राज्य महिला आयोग का गठन जो है ये हुआ है 15 मई 1999 को। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्को कानून केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया। पोस्को कानून, दोस्तों ये पोस्को जो कानून है, सबसे पहले देखिए इस पोस्को, ये पोस्को जो है ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, POSCO, ये पोस्को ऐसे भी लिखा आ सकते हैं। इसका मतलब है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा सकते हैं, पोस्को कानून केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया। तो पोस्को जो कानून है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। देखिए, हालांकि ये छोटे बच्चों के लिए ये लागू किया गया एक कानून है, और उसको लागू करने का काम किया गया 14 नवंबर 2012 को। कब किया गया? 14 नवंबर 2012 को। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोस्को कानून कब लागू किया गया, तो 14 नवंबर 2012 को इस कानून को लागू किया गया, ठीक है। ये कानून लागू किसने किया? भारत सरकार की, ये केंद्र सरकार के कौन से मंत्रालय ने शुरू किया, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो इसके संबंध में दोस्तों आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल अपराध की संकल्पना के जनक वैज्ञानिक हैं। देखिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें महिला एवं बाल उत्पीड़न है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए बाल अपराध के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बाल अपराध की संकल्पना के जनक हैं सीजर लैम्ब्रोसो। कौन है? सीजर लैम्ब्रोसो जो है ये बाल अपराध के क्या है? जनक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया। कि भारत का एक चार ऑप्शनों में से वह स्थान, वह नगर जहाँ पर
सबसे पहले बाल सुधार गृह स्थापित किए गए कि वहां उन अपराधी छोटे जो बालक हैं उनको अपराधी घोषित नहीं करके उनमें सुधार करने की कोशिश की जाए। तो वह पहला बाल सुधार गृह भारत में कहां स्थापित किया गया? कोलकाता में स्थापित किया गया। दोस्तों इस बाल सुधार गृह की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1930 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब हुई, तो कब हुई? 1930 में। और ये कहां हुआ? तो ये कहां हुआ है? कोलकाता में स्थापित हुआ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मिस्टेक हुआ दोस्तों, देखिए यहां 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि जिन बालकों की आयु 6 से कितने वर्ष है? 14 वर्ष, उन सभी बालकों को अनिवार्य, जरूरी, अनिवार्य का मतलब क्या है? जरूरी, जरूरी और निःशुल्क बिना कोई शुल्क के शिक्षा का प्रावधान कानून के तहत किया गया, कौन से अनुच्छेद में है? ये बात उसके कौन से अनुच्छेद में लिखी गई? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 21A में। और ये क्वेश्चन तो रीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कहूंगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टॉप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम की, मतलब एक वह समय जिसके तहत घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने के लिए बाध्य है, कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिला को कितने समय में न्याय दिलवाया जाए, ये उसकी बाध्यता है। कितने समय में? दोस्तों 60 दिन के भीतर उसे पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने का काम घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किया गया है। ये घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बाध्य है कि उस महिला को 60 दिन में क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन की भाषा टफ जरूर है, लेकिन बात मैंने सरल शब्दों में आपको समझा दी है, इसलिए आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, स्मार्ट 24x7 बी सेफ का संबंध है। आपके सामने एक ऐसा नया शब्द है, स्मार्ट 24x7 बी सेफ का मतलब क्या है, कि ये क्या है, ये स्मार्ट 24x7 बी सेफ क्या है ये? तो दोस्तों ये सुरक्षात्मक कैमरा है, या कोई पुलिस के कोड है, या कोई महिला सुरक्षा का कोई ऐप है, या फिर क्या है, कोई विधिक सहायता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट 24x7 बी सेफ का जो संबंध है ये महिला सुरक्षा ऐप से है। ये कोई एक ऐप लॉन्च किया गया है जो महिला को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों इसी तरह का एक और ऐप है जिसका नाम क्या है? चिल्ला। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि चिल्ला का संबंध है, तो चिल्ला का संबंध क्या है? महिला सुरक्षा के लिए गठित किया गया, बनाया गया, लॉन्च किया गया एक ऐप है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो 24x7 बी सेफ और चिल्ला दोनों क्या है? महिला सुरक्षा से संबंधित ऐप है। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट शारदा अधिनियम का संबंध है। शारदा एक्ट भी आ सकता है, शारदा एक्ट भी आ सकता है एग्जाम में, शारदा अधिनियम का भी आ सकता है, कि शारदा अधिनियम का संबंध है। तो दोस्तों ध्यान रखना, शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। किससे है? बाल विवाह से है, कि 18 और 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष, लड़के की आयु 21 वर्ष, इससे पहले विवाह होता है तो वह क्या है? बाल विवाह। और अगर हम बात करें भारतीय पंचांग के अनुसार, अक्षय तृतीया जो है, ये अक्षय तृतीया का एक अबुझ सावा होता है, और राजस्थान में इस समय अक्षय तृतीया के समय सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का स्थापना वर्ष है। राष्ट्रीय बाल श्रम मतलब बालकों के श्रमिक से संबंधित है, कि 6 से 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनसे अगर किसी कारखाने या कहीं पर काम करवाया जाता है तो उसके उन्मूलन के प्राधिकरण का स्थापना वर्ष है। तो 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का स्थापना वर्ष 26 सितंबर 1994 है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस वर्ष बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया? कि चार वर्ष हमारे सामने दिए गए हैं कि इसमें से कौन से वर्ष में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया, बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया? दोस्तों यह 2006 में पारित किया गया है। दोस्तों आप चिंता ना करें, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, हम बात करें स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर से संबंधित तमाम क्वेश्चन के जो वीडियो हैं वो प्रतिदिन डाले जाएंगे, ठीक है। आपको जितने से ज़्यादा, जितने अधिक से अधिक कोशिश हो, उससे अधिक से अधिक कोशिश आपके लिए की जाएगी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्ति वर्ष घोषित किया है, किया था, ठीक है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया, कि इनमें से कौन सा साल, कौन सा समय ऐसा है जिस वर्ष भारत सरकार ने उस पूरे के पूरे वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर दिया, तो वह 2001 का वर्ष है। कब का है? 2001 का साल है। उस 2001 के साल को महिला सशक्ति वर्ष घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की वह रियासत जिसने सर्वप्रथम बाल विवाह रोकने हेतु कानून बनाए, कि क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं पुराने इतिहास से संबंधित है, ये हम महिला और बाल जो उत्पीड़न है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए कि निम्न में से वह रियासत कौन सी है, क्योंकि प्राचीन समय में जब राजस्थान का गठन नहीं हुआ उस समय यहाँ रियासतें थी, ठीक है, और उनमें से कौन सी रियासत ऐसी है जिसने सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाए? तो दोस्तों वह जोधपुर रियासत है जिसने सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए क्या बनाए? कानून बनाए। क्या बनाए? कानून बनाए। तब से लेकर अब तक बाल विवाह को रोकने की कवायद चल रही है। घरेलू हिंसा अधिनियम में कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं दी गई है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये वही है जो पहले क्वेश्चन में आया था, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो 26 अक्टूबर 2006 को शुरू किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, 5 तो उसमें क्या है? अध्याय है, और 37 क्या है? धाराएं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई? ये भी एक बड़ी समस्या थी, और इसमें से कौन सी रियासत ऐसी है कि प्राचीन समय में ही कौन सी रियासत ने सती प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो वह रियासत कौन सी है? तो दोस्तों टोंक, बूंदी, अजमेर और बीकानेर रियासतों के कुछ नाम आपके सामने दिए गए हैं, और इसमें से आप ये देखें कि बूंदी जो रियासत है, इस बूंदी रियासत ने सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा का पर रोक लगाई। ये रोक दोस्तों बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी में लगाती थी। कब लगाती थी? 1822 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बूंदी रियासत के द्वारा सबसे पहले सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो 1822 में। या फिर रियासत का नाम पूछ लिया जाए तो वह रियासत कौन सी है? बूंदी रियासत है जिसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर क्या लगाई है? रोक लगाई है। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? कि दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक ठोस कदम उठाया और वो एक मोबाइल में एक ऐप लॉन्च किया, और वह ऐप लॉन्च किया तो उस ऐप का नाम क्या है? जो लॉन्च किया गया, जो ऐप है जो दिल्ली पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लगाया गया, वह ऐप हिम्मत है, निर्भया है, पराक्रम है या जेनिस है? तो दोस्तों ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस के द्वारा स्पेशल, इससे पहले भी मैंने आपको दो और ऐप के बारे में नाम बताया था, स्मार्ट 24x7 बी सेफ एक ऐप था और इसी तरह एक चिल्ला ऐप था, लेकिन यहाँ नाम दे दिया कि दिल्ली पुलिस ने कौन सा ऐप शुरू किया है महिला सुरक्षा के लिए, तो उस ऐप का नाम क्या है? हिम्मत ऐप। कौन सा ऐप है? हिम्मत ऐप है, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का वह अनुच्छेद जो कि राज्यों व केंद्र को निर्देशित करता है कि वह महिलाओं को सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान करे,
कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य और केंद्र है उनको महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान करने होंगे। ये बात कहाँ? संविधान में। संविधान के कौन से अनुच्छेद में? और यही बात पूछी गई है कि ये बात कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा हेतु राज्य और केंद्र को निर्देशित किया गया वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15(3) है। ये संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य और केंद्र को निर्देशित करता है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु आपको विशेष प्रावधान करना पड़ेगा, विशेष कानून नियम बनाने पड़ेंगे। अगला है, महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानमंडल में है या पंचायती राज संस्थाओं में है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है ये पंचायती राज संस्थाओं में की गई है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। कि उनको पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया, तो कितना आरक्षण दिया गया है? उनको 50% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? देखिए, संसद की 3 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ठीक है। ये 2 सदन हैं, इनमें से लोकसभा सदन जो है, इस लोकसभा सदन ने 3 तलाक विधेयक को पारित कब किया, ठीक है? तो 25 जुलाई 2019 को कब किया गया है? सॉरी दोस्तों, यहाँ ये जून की जगह क्या दिया हुआ है, ये जून की जगह 25 जुलाई है, 25 जुलाई 2019 को। थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, सॉरी, यहाँ जो ऑप्शन है वो है 25 जुलाई क्या ऑप्शन है? 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में 3 तलाक विधेयक पारित किया गया। अगर ये क्वेश्चन यहाँ आ जाए कि ये 3 तलाक जो है इसे राज्यसभा में कब पेश किया गया, तो दोस्तों राज्यसभा में इसे 30 जुलाई 2019 को पेश किया गया। 25 जुलाई को तो कब? 25 जुलाई 2019 को तो ये लोकसभा में, और उसके पांचवें दिन 30 जुलाई 2019 को ये कहां? ये राज्यसभा में पेश किया गया। कहां पेश किया गया? राज्यसभा में पेश किया गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? सुकन्या समृद्धि योजना, ये हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो पोस्ट ऑफिस है, भारतीय डाक विभाग है, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना के लिए एक कन्या का, एक छोटी जो बच्ची होती है उसका एक खाता खुलवाया जाता है और उसमें कुछ पैसे डाले जाते हैं जो उसके बालिग होने तक जमा होते रहेंगे और उसके विवाह के अवसर पर उसे वापस दे दिए जाएंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत राज्य में 4 फरवरी 2015 को की गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 4 फरवरी 2015 को। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस छोटे से समय में मैंने अधिक से अधिक 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं। बाकी जो इस टॉपिक में रह गए जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दिए जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।